नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग थिएटर कंपनी VCS इंडस्ट्री के कॉम्प्लेक्स ब्रांड का आप फ्रेंचाइजी लेके आप खुद का लग्जरियस स्मार्ट थिएटर कैसे ओपन कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वीडियो की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर कर ले, ताकि फ्रेंड्स जितने भी मेरे नए नए वीडियो है बिजनेस के रिगार्डिंग और फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता देता हूं। कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर जो है ये VCS इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का है, और इस कंपनी का हेड ऑफिस जो है अहमदाबाद गुजरात में है। और ये जो कंपनी है मेनली जो है मूवीज एंड फिल्म मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और फिल्म ब्रांडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये काम करती है। और इसके साथ साथ ये कंपनी जो है ओवरसीज रिलीज भी करती है। देन उसके बाद ये एंसिलरी राइट्स भी जो है बहुत सारे बॉलीवुड और अदर रीजनल लैंग्वेज के लिए भी जो है दिलाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है अपना सिनेमा नेटवर्क जो है बिल्ड कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी जो है अभी फ्रेंचाइजी पार्टनर जो है अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। अगर आप इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप कॉम्प्लेक्स का फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करके जो है आप खुद का लग्जरियस स्मार्ट थिएटर आप ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे कॉम्प्लेक्स जो कंपनी है आप लोगों को कितने प्रकार के बिजनेस मॉडल आप लोगों को प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप कंपनी के साथ में जुड़ के आप जो है खुद का लग्जरियस स्मार्ट थिएटर ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे कंपनी की तरफ से जो है आप लोगों को तीन प्रकार के जो है बिजनेस मॉडल आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे जो सबसे पहला मॉडल है उसको मिनी थिएटर बोलते हैं, एंड जो दूसरा मॉडल है उसको यहां पे एक्सप्रेस मॉडल बोलते हैं, एंड जो लास्ट जो बिजनेस मॉडल है उसको प्रीमियम थिएटर बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आगे जो है तीनों बिजनेस मॉडल के बारे में हम लोग देखेंगे कि आपको तीनों बिजनेस मॉडल के जो है आपको कितना एरिया का रिक्वायरमेंट रहता है और आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहां पर हम लोग पहले मिनी मॉडल का देखेंगे कि यहां पर मिनी मॉडल में जो है आपको कितना एरिया का रिक्वायरमेंट रहता है और आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो मिनी मॉडल आप स्मार्ट थिएटर ओपन करेंगे उसका जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 50-60 सीट का होगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेस की बात करें तो यहाँ पे जो आपका स्पेस का रिक्वायरमेंट है आपको 1000 से लेके 1400 स्क्वायर फीट का आपके पास में कारपेट एरिया होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है आपको 35 से 42 लाख का जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो है आपको इसमें GST भी 18% आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास में जो भी स्पेस होगा उस स्पेस का जो सीलिंग का हाइट है वो आपका 10 फीट प्लस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप मिनी मॉडल का आप स्मार्ट थिएटर कॉम्प्लेक्स का ओपन करना चाहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक्सप्रेस मॉडल में जो है आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे एक्सप्रेस मॉडल अगर आप स्मार्ट थिएटर ओपन करते हैं कॉम्प्लेक्स का तो उसका जो सिटिंग कैपेसिटी है 61 सीट से लेकर जो है 80 सीट का होगा। उसके बाद इसके लिए स्पेस जो है आपको 1500 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है आपको 45 से 55 लाख का जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पर स्क्रीन, और इसके साथ साथ जो है आपको इसमें GST भी 18% का आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो भी एरिया होगा जहां पे आप एक्सप्रेस मॉडल का स्मार्ट थिएटर ओपन करेंगे तो उसका जो सीलिंग का हाइट है 12 से 14 फीट का होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपको प्रीमियम मॉडल में आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर आप प्रीमियम मॉडल का स्मार्ट थिएटर कॉम्प्लेक्स को ओपन करते हैं तो इसमें जो आपका सीटिंग कैपेसिटी है आपका 100 सीट्स का इसमें होगा। इसमें जो स्पेस रिक्वायरमेंट है आपको 2500 से लेके 3000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का रिक्वायरमेंट है। और अगर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है आपको 60-70 लाख रुपीस जो है आपको यहाँ पे लगने वाला है, और इसके साथ साथ जो है आपको GST भी यहाँ पे 18% का आपको पेड करना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस एरिया पे प्रीमियम मॉडल का आप स्मार्ट थिएटर कॉम्प्लेक्स को ओपन करना चाहते हैं उस एरिया का जो सीलिंग का हाइट है वो 14 फीट से लेकर 16 फीट के बीच में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो भी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट मिनी मॉडल के लिए बताया है, एक्सप्रेस मॉडल के लिए बताया है और प्रीमियम मॉडल के लिए आपको बताया है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे क्या क्या इसमें एक्सक्लूड है। यहाँ पे आप जिस एरिया पे आप स्मार्ट थिएटर ओपन करना चाहते हैं वहाँ पे जो भी सिविल वर्क होगा वो फ्रेंचाइजी को खुद के पैसे पे करना पड़ेगा। जो भी सेपरेट वॉशरूम बनेगा, डोर का कलर होगा, प्लास्टर ऑफ पैरिस होगा, इलेक्ट्रिक वर्क होगा, वाटर सप्लाई, प्लम्बिंग वर्क, और उसके बाद जितने भी बेसिक फर्नीचर होंगे फूड्स एंड बेवरेज के लिए, लॉन्च के लिए, फॉयर्स के लिए, तो ये सारे का जो इन्वेस्टमेंट है फ्रेंचाइजी को अलग से करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी आर्किटेक्ट फीस होते हैं, इंटर डिजाइनर फीस होते हैं, प्लानिंग, ड्राइंग, एयर कंडीशनर का जो डक्ट होता है, कैसेट यूनिट होता है, बेस स्ट्रक्चर जो सीट्स का रहेगा, लॉन्च का रहेगा, सोफा पुशबैक का रहेगा, रिक्लाइनर चेयर का रहेगा, और जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल वर्क होंगे आपके ऑडिटोरियम में,
और मैं आपको बता दूं कि आपके ऑडिटोरियम में 7.1 डॉल्बी सराउंडेड साउंड सिस्टम भी जो है JBL का वहां पे लगाया जाएगा, फ्लोर कारपेट बनाया जाएगा, वॉल फैब्रिक किया जाएगा, टीवी स्क्रीन लगाया जाएगा, उसके बाद जो है फूड्स एंड बेवरेज का जो भी आइटम होगा वहां पे जो है कंपनी ही आपको प्रोवाइड करने वाली है। फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स जो कंपनी है आपसे फ्रेंचाइजी फी जो है 5 लाख प्लस GST जो है आपको पर स्क्रीन का यहां पे चार्ज करती है। अगर आप 2 स्क्रीन का स्मार्ट थिएटर कॉम्प्लेक्स कंपनी का अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको 10 लाख प्लस 18% का GST जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये जो आपका फ्रेंचाइजी का टेन्योर है ये आपका 9 साल तक जो है आपका रहेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ का आता है तो यहां पे जो है आपको 60% ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि यहां पे आपको 60 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है और जो आपका रेस्ट 40 लाख जो बचेगा वो कंपनी यहां पे आपको करके देगी। यानी कि यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है फ्रेंचाइजी को 60% करना पड़ता है और यहां पे कंपनी को 40% करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे फ्रेंचाइजी अगर 60% का इन्वेस्टमेंट करता है तो यहां पे फ्रेंचाइजी के हैंड में जो है 80% का प्रॉफिट जाता है और जो 20% का जो प्रॉफिट है वो यहां पे जो है कंपनी रख लेती है। तो फ्रेंड्स यहां तक आप लोग क्लियर है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे जो है कंपनी आपको क्या क्या चीज प्रोवाइड करेगी। जितना भी आपके कंप्यूटर का पॉस सिस्टम हुआ, जो भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर रहेंगे, उसके बाद जो भी UPS होगा, HD लेजर प्रोजेक्टर होगा, VSAT इक्विपमेंट रहेंगे, आपका फूड एंड बेवरेज मशीनरी रहेगा, साइनेज डिजिटल ब्रांडिंग बोर्ड रहेगा, उसके बाद जो है CCTV कैमरा लगाया जाएगा, होर्डिंग लगाया जाएगा, टिकटिंग किया जाएगा, फूड्स एंड बेवरेज का प्रिंटिंग वहाँ पे लगाया जाएगा, देन उसको स्वाइप मशीन, इनिशियल डिस्काउंट ऑन टिकट, प्रमोशनल ऑफर, उसके बाद जो सोशल मीडिया का जो है प्रमोशन जो है यहाँ पे कंपनी आपको करके देने वाली है। फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपनी का मिनी मॉडल, एक्सप्रेस मॉडल और प्रीमियम मॉडल को तीनों इंक्लूड करके अगर आप यहाँ पे स्मार्ट थिएटर कॉम्प्लेक्स कंपनी का ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्लोर प्लान जो है किस प्रकार से होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपनी का अगर मिनी थिएटर, एक्सप्रेस और प्रीमियम मॉडल का तीनों को मिला के अगर आप यहाँ पे थिएटर ओपन करते हैं तो इसके लिए जो है आपको 750 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है पहला ऑडिटोरियम है जिसका सीटिंग कैपेसिटी 87 है और यहाँ पे जो है दूसरा ऑडिटोरियम है जिसका सीटिंग कैपेसिटी जो है 87 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो है ये आपका जो है 1 डुअल लॉन्जर ऑडिटोरियम है जिसका सीटिंग कैपेसिटी जो है 25 है। देन उसके बाद ये कॉर्नर पे जो है सेपरेट लेडीज एंड जेंट्स के लिए जो है यहाँ पे वॉशरूम बनाया गया है और ये जो है आपका F&B एरिया है यानी कि फूड्स एंड बेवरेज एरिया बनाया गया है और ये जो है वेटिंग हॉल है ये दोनों, उसके बाद ये बॉक्स ऑफिस एरिया बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका 750 स्क्वायर फीट का फ्लोर प्लान बनाया गया है अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपनी का मिनी, एक्सप्रेस और प्रीमियम मॉडल का अगर आप यहां पे स्मार्ट थिएटर ओपन करते हैं तो। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपनी का अगर आप फ्रेंचाइजी लेके यहां पे स्मार्ट थिएटर ओपन करते हैं तो आपका जो रेवेन्यू है वो किस किस जगह से आ सकता है। फ्रेंड्स यहां पे देख रहे हैं जो पहला रेवेन्यू है यहां पे आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आएगा, देन उसका जो दूसरा रेवेन्यू है आपका फूड्स एंड बेवरेज एरिया से आपको मिलने वाला है, देन उसके बाद आपका जो भी थिएटर होगा वहां पे कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी आपको देना पड़ेगा तो उससे भी जो है यहां पे आपको रेवेन्यू आने वाला है, देन उसका जो है आपका जो भी स्क्रीन रहेगा वहां पे स्क्रीन एडवर्टाइजिंग होगा तो उससे भी जो है आपका यहां पे रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे आपको कॉम्प्लेक्स कंपनी का ही क्यों फ्रेंचाइजी लेके आपको खुद का यहां पे स्मार्ट थिएटर ओपन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पे जो है मैंने कॉम्प्लेक्स कंपनी का बहुत सारे अदर ब्रांड से मैंने उससे कंपैरिजन किया है तो यहां पे आप लोग खुद देखें और जज करें कि आपको कॉम्प्लेक्स कंपनी का फ्रेंचाइजी आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने कॉम्प्लेक्स को जो है बहुत सारे अदर ब्रांड के साथ में कंपेयर किया, जैसे कि PBR हुआ, INOX हुआ, सेरा हुआ, मुक्ता हुआ और भी बहुत सारे अदर ब्रांड से। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कंपैरिजन जो है मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल्स किया है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो कंपनी है वो अपना फ्रेंचाइजी देती है, PVR जो है अपना फ्रेंचाइजी नहीं देती है, INOX भी जो है अपना फ्रेंचाइजी नहीं देती है, सेरा जो कंपनी है अपना फ्रेंचाइजी देती है, मुक्ता भी जो है अपना फ्रेंचाइजी देती है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंचाइजी फी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो कंपनी है जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर स्क्रीन पे जो है आपको 5 लाख प्लस 18% का GST यहाँ पे आपसे फी लेती है। तो यहाँ पे PVR जो है किसी प्रकार का आपसे फ्रेंचाइजी फी नहीं लेती, उसके बाद INOX भी नहीं लेती है, सेरा भी नहीं लेती है, मुक्ता भी नहीं लेती है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कंफर्ट एंड लग्जरी, यहाँ पे कंफर्ट और लग्जरी की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो कंपनी है कंफर्ट और लग्जरी के मामले में नंबर वन है। उसके बाद हम लोग यहाँ PVR के बारे में बात करें तो PVR जो है अपना कंफर्ट और लग्जरी प्रोवाइड करती है पर कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में बहुत कम करती है। देन उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं नो मिनिमम गारंटी, नो कंटेंट चार्ज फॉर मूवी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स जो कंपनी है आपसे किसी प्रकार का कंटेंट का चार्ज नहीं लेती है पर यहाँ पे PVR, INOX, सेरा और ऐसे और भी बहुत सारे यहाँ पे कंपनी है जो आपसे यहाँ पे कंटेंट चार्ज 2.5 लाख रुपये पर मंथ लेती है।
उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि 100% कैशबैक फॉर व्यूअर्स, यहाँ पे व्यूअर्स को जो है 100% कैशबैक भी दिया जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स में ही स्लिप फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे अप टू 40% कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें आपको 60% का ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो रेस्ट 40% का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी यहाँ पे करती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ही करती है, PVR, INOX, सिरसा में इस प्रकार का कोई भी मॉडल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जो थिएटर के लिए मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट है, आप 5000 स्क्वायर फीट में जो है आप कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे थिएटर ओपन कर सकते हैं, पर PVR के लिए जो है आपको 25000 स्क्वायर फीट का एरिया लगता है, INOX के लिए जो है आपको 20000 स्क्वायर फीट का एरिया लगता है, सिरसा के लिए भी जो है आपको 20000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको लगता है। उसके बाद अगर हम लोग सेटअप कॉस्ट की बात करें पर स्क्रीन, अगर आप कॉम्प्लेक्स का फ्रेंचाइजी लेते हैं एक स्क्रीन का, तो उसके लिए जो आपका सेटअप कॉस्ट है 40 लाख में जो है आप पूरा जो है सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे PVR में जो है आपको 2 करोड़ का लगता है, INOX में 1.5 करोड़ का लगता है, और भी बहुत सारे ब्रांड है जहाँ पे जो है आपको अलग अलग फी पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लेक्स का स्मार्ट थिएटर ओपन करते हैं, तो आप कॉम्प्लेक्स के स्मार्ट थिएटर से जो है आप 2 ईयर्स के अंदर जो है आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आप अचीव कर लेंगे। बट अगर आप PVR, INOX, अगर सिरसा के अगर केस में जाएं, तो यहाँ पे जो है आपको मिनिमम जो है 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल भी जो है आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपको अचीव करने में लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो है आपको पर मंथ और पर ईयर जो है कितना इनकम हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे जो पहला यहाँ पे रेवेन्यू है, टिकट का रेवेन्यू दिखाया गया है। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे रेवेन्यू है आपका कॉन्फ्रेंस एंड फूड्स एंड बेवरेज सेक्शन से दिखाया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है एडवर्टाइजिंग का जो है यहाँ पे रेवेन्यू दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मंडे टू थर्सडे अगर शो चलता है, अगर यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी अगर टोटल 130 है, तो उसके बाद यहाँ पे जो है वीकेंड एंड का जो है यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे फ्राइडे टू संडे। तो यहाँ पे जो मंडे टू थर्सडे है यहाँ पे हम लोग 50% ऑक्यूपेंसी यहाँ पे कंसिडर किए हैं, और यहाँ फ्राइडे टू संडे में हम लोग 80% ऑक्यूपेंसी यहाँ पे कंसिडर किए हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो टोटल इनकम है पर मंथ का यहाँ पे 18,13,500 रुपये यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद जो है इसमें 18% का जो है आपका GST भी लगने वाला है। देन उसके बाद आप लोगों को पता है कि जो भी बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन होता है उसका 50% जो है फिल्म प्रोड्यूसर को हम लोग को देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है 50% जो है फिल्म प्रोड्यूसर को चला जाएगा। उसके बाद जो रेस्ट आपका 50% बचेगा उसमें से जो है आपको एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो स्मार्ट थिएटर रहेगा उसका मंथली एक्सपेंस भी रहेगा। तो यहाँ पे जो मंथली एक्सपेंस है 10,45,068 रुपये आ रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो बैलेंस है आपका 7,68,432 रुपये आ रहा है। तो अब इसमें से जो है आपको 80% जो है यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि 20% यहाँ पे कंपनी रॉयल्टी ले लेगी। तो 80% यहाँ पे देखें तो 6,14,746 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 73,76,949 रुपये यहाँ पे आने वाला है। उस बाद यहाँ पे जो है आपको कॉन्फ्रेंस एंड फूड से जो है आपको रेवेन्यू होगा। तो यहाँ पर मंथ जो है आपको कॉन्फ्रेंस एंड फूड से जो है 5,84,510 रुपये यहाँ पे होने वाला है। उसका जो लास्ट अर्निंग है आप अपने स्क्रीन पे विज्ञापन चला के भी यहाँ पे करेंगे तो उससे जो है आपको मंथली यहाँ पे जो देख रहे हैं अप्रॉक्स 90,000 रुपये का इनकम आपको होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल फ्रेंचाइजी का प्रॉफिट दिखाया गया है। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर हम लोग मंथली देखें तो यहाँ पे 9,20,355 रुपये यहाँ पे आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे ईयरली देखें तो आपका 1,10,44,266 रुपये यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हैं स्मार्ट थिएटर ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से कितना समय लिया जाएगा आपके थिएटर को सेटअप करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो कंपनी है आपको 3 मंथ का आपसे समय लेती है, आपको 90 दिन के अंदर जो है आपको स्मार्ट थिएटर जो है कॉम्प्लेक्स कंपनी का आपको हैंड ओवर कर देगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना है तो इसके लिए जो है आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। मैं इस पेज का लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं अप्लाई फॉर फ्रेंचाइजी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम आपको फिल करना है, लास्ट नेम फिल करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे आपको अपना सिटी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस मॉडल का जो है आप स्मार्ट थिएटर ओपन करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपनी का, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसका जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अप्लाई का बटन है, आप अप्लाई डायरेक्टली यहाँ पे कर देंगे। जब आप अप्लाई कर देंगे तब जो है आपका जो भी एप्लीकेशन है वो कंपनी के डाटाबेस में सबमिट हो जाएगा। कंपनी जो है आपको विद इन ए वीक जो है आपको कॉल करेगी और आपको सारी जानकारी आपको कॉम्प्लेक्स कंपनी के फ्रेंचाइजी के बारे में आपको देगी। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तभी कंपनी आपका प्रोसेस आगे की ओर लेके जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कॉल करके
कॉम्प्लेक्स कंपनी का फ्रेंचाइजी के बारे में अगर आपको इंक्वायरी करना है तो डायरेक्टली आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं, आप इस दोनों नंबर में किसी एक नंबर पे आप कॉल करके जो है आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपनी का आप थिएटर कैसे ओपन कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं पता है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपनी का स्मार्ट थिएटर कैसे ओपन कर सके उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।